टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। स्थानीय मांग के बीच दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया, जबकि मूंगफली तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज बंद था, जबकि शिकागो एक्सचेंज शुक्रवार रात में 2.25% की बढ़त पर रहा था। सूत्रों ने कहा है कि मंडियों में सरसों की आवक घटकर लगभग 4.25 लाख बोरी रह गई है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ही सरसों का स्टॉक मंडियों में ला रहे हैं, इसलिए सरकारी खरीद एजेंसियों को सरसों का भंडारण पहले ही कर लेना चाहिए। आयातित तेलों के महंगा होने के कारण उनकी कमी को सरसों तेल और उसके रिफाइंड और अन्य देशी तेलों से फिलहाल पूरा किया जा रहा है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। सूत्रों ने कहा है कि हाल ही के दिनों में सरसों व अन्य फसलों के लिए किसानों को अच्छा दाम मिलने से किसान लाभान्वित हुए हैं और इसका प्रभाव तिलहन उत्पादन में वृद्धि से लगाया जा सकता है। सरकार को खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क घटाने या बढ़ाने के बजाय तेलों के थोक बिक्री दर और खुदरा बिक्री दर की निगरानी बढ़ानी होगी। आम उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बाजार में सरसों तेल लगभग 190 से 200 रुपए लीटर मिल रहा है, लेकिन अगर थोक बिक्री दाम को देखा जाए तो उस हिसाब से खुदरे में सरसों तेल सारे खर्च और लाभ जोड़ने के बाद 165 से 168 रुपए लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी खाद्य तेलों के मनमाने खुदरा मूल्य पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा है कि साधारण मांग होने के कारण सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया। इंडोनेशिया का निर्यात खुलने से स्थितियों में विशेष फर्क की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा सूत्रों का मानना है। वहीं सरकार को पूरा ध्यान देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर देना होगा, तभी देश तिलहन उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।